Hey, the Hansi Dost, kisi ko to iske paise dene padenge. तुमने खा लिया मतलब खरीद लिया, अब मुझे इसके पैसे दे दो। मैं जानता हूं वो यही कहीं है। एल्बेडो, तो अब भी तुम सामने दिखने वाली चीज का नाम जोर से पुकारते हो। बेन, रुको। पीछे हटो, रुक। एक चार। बेन। मैं कहाँ हूँ? और तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, आर्मड्रिलो स्लैम वर्म का कुदरती शिकार है। वीबिग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या है, बड़ा है तो बेहतर है। हे, जाओ यहाँ से मोटे कीड़े जो चीजों को पटकता है। वो बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा। बेन के नाम का एक जनरल स्कैन का ऑर्डर दे दो। अगर किसी प्लमर पेट्रोल को गैलेक्सी में कहीं भी बेन के डीएनए का एक जर्रा भी मिला तो मुझे खबर मिलनी चाहिए। मैजिस्टर, दूर के पेट्रोल्स के रिपोर्ट्स आने में घंटों लग सकते हैं। लगने दो, रुक। लेकिन अजमत ने हमारे किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया है और उसकी टेक्नोलॉजी के बिना हम बस इतना ही कर सकते हैं। आई एम सॉरी सर। घबराओ मत बेटे, हम उसे जरूर वापस लाएंगे। प्लैनेट कैंक्री ई पर मौजूद प्लमर का डेटा आया है कि कुछ लोकल सेंसर्स को बेन का डीएनए मिला है। ये जगह पृथ्वी से 41 लाइट ईयर्स दूर है। कमाल का प्रोपल्शन सिस्टम है। तुम वो स्पीड मैच कर सकोगे? प्रोटो ट्रक का थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगेगा, पर इतना भी नहीं। क्या तुम अभी तक थक नहीं रहे हो? ओके, पर इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। ये है हीरो टाइम। क्या किया, इतनी जल्दी हार मान ली? अभी तो खेल में मजा आ रहा था। बस ये मेरा कुदरती शिकारी नहीं होना चाहिए। ये सच में बेन का ही डीएनए है। पैर के नाखून के टुकड़े। आई होप उस प्लैनेट पर बेन अब तक सही सलामत होगा। जरूर होगा। अगर अल्बिडो अब भी बेन के रूप में है तो उसका डीएनए बिल्कुल बेन जैसा होगा। तो अल्बिडो ने अपने ही नाखून काट कर यहाँ रख दिए होंगे ताकि हम उसकी तलाश में अपना वक्त जाया करें। मैं उसकी जगह होता तो यही करता। एक और प्लमर स्टेशन से रिपोर्ट आ रही है कि क्ली 667C पर बेन का डीएनए पाया गया है। वो जगह पृथ्वी से 22 लाइट ईयर्स दूर है। अल्बिडो तेजी से सफर करता है, ये तो मानना ही पड़ेगा। आपको लगता है ये कोई जाल है? मुझे पक्का पता है ये एक जाल है। लेकिन पूरी गैलेक्सी में चूंकि बेन का सिर्फ यही एक निशान है, इसलिए हमारे पास ज्यादा चॉइस नहीं है। और अगर हम बेन की जगह एल्बिडो से टकराए तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। टेनिसन, मेरी दुनिया में स्वागत है। तो कैसे हो? खाइबर, क्या बात है, तुम बदल गए? बिल्कुल नहीं। इस जगह पर मैं नए हथियार टेस्ट करता हूँ और पुराने दुश्मनों को टॉर्चर भी करता हूँ, और बाकी वक्त पर मैं यहाँ पर आराम फरमाता हूँ।
तो अब तुम्हारे पास एक नया डॉगी है या कैट, जो भी ये चीज है। ये पेनेंसियन है, बहुत रेयर है और इसमें एक बहुत ही अनोखी अनोखी काबिलियत है। और क्या बात है, इसके पास तुम्हारा रिप ऑफ ट्रिक्स है। नेमेट्रिक्स शुरू में तुम्हारे ओमनीट्रिक्स की बस एक मामूली नकल थी, लेकिन वह उसके बारे में तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा। पहले एक गेम। रुको, मुझे मत बताओ, मैं गैस करता हूँ। तुम मेरा शिकार करो और अगर मैं सुबह तक बचा रहा तो तुम मुझे जाने दोगे। ओ नहीं, गेम जारी रहेगा जब तक तुम मरते नहीं। लेकिन हमारी पिछली लड़ाइयों की तरह कोई भी तुम्हें यहाँ बचाने नहीं आएगा। मुझे बचाने? हेलो, तुम ठीक से ध्यान तो दे रहे हो ना खाइबर? मैं बेन टेनिसन हूँ, मैं दूसरों को बचाता हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है? ओके, मैं तुम्हारा स्टूपिड गेम खेलूंगा, लेकिन आखिर में तुम मिन्नतें करोगे कि काश तुम्हें कोई बचाने आता। इस मामले में तुम कुछ नहीं कर सकते मिस्टर टेनिसन, शिकार शुरू होता है अब। तैयार हूँ। गुड लक, हमारा पीछा करके दिखा फौरन। शानदार जानवर है ये बेनेंसियन। ये प्लैनेट हैथोर पर पाया जाता है। हे, वो तो डिट्टो का होम प्लैनेट है, जहाँ ये स्प्लिक्सन का कुदरती शिकारी है। हे, वो तो डिट्टो की स्पीशीज है। सच में मुझे पता नहीं था। मैं और मेरी लंबी जबान। बस इतना ही? ये बेन का डीएनए सिग्नेचर है। रुक, एक बाल, एक सफेद बाल। ये बेन का नहीं हो सकता, ये अल्बिडो का बाल है। हम अंधाधुन तलाश कर रहे हैं। अंधा? लेकिन हमने तो अपनी आंखें खुली रखी थी। आई एम सॉरी सर, ये सब मेरी गलती है। बेन के साथ इतने वक्त तक काम किया कि जब वो बेवकूफों की तरह जाल में घुसा जा रहा था, मुझे भी उसके पीछे जाना चाहिए था। तो फिर तुम दोनों गायब हो जाते। अब ये सोचकर कोई फायदा नहीं कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। इस वक्त हमें बेन को ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। 3,700 प्लमर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके यहाँ बेन का डीएनए मिला है। और शायद उसमें से एक भी बेन का नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ बेन के ही बचे कुचे निशान हो, क्योंकि वो कई बार गैलेक्टिक सफर पर गया है। क्या बचे कुचे निशान? यही तो चाहिए था। टैकियन इंजन एमिशंस के बचे कुचे निशान के लिए स्कैन करो। अगर हमें वो मिल जाए तो यकीनन हमें उसकी शिप मिल जाएगी जिसने वो सारे डीएनए सैंपल्स छोड़े हैं। आखिर में
तुम जो भी हो मैं हमेशा भूल जाता हूँ। और अब मैं गुफा से बात करने लगा हूँ, मुझे यहाँ से निकलो। ओके, तुम लोग डिट्टो से ताकतवर हो, मुझे परवाह नहीं, मैं बस डिट्टो को नहीं चुनूंगा। इसके बारे में क्या कहना है, मेरे पास और सैकड़ों एलियंस हैं चुनने के लिए, और तुम लूजर्स उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। क्या बात है, असली चुनौती का सामना करने से डरते हो? बिल्कुल नहीं, वो बस मेरे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। चलो ये गेम खत्म करते हैं खाइबर, तुम जितने भी शिकारी मुझ पर छोड़ोगे मैं उन सब से लड़ लूंगा, मुझे बस उनका कुदरती शिकार नहीं बनना है, और क्या। लेकिन क्या तुम सभी शिकारियों से लड़ सकते हो, वो भी एक साथ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर निशान खत्म होता है। रास्ता खत्म, बेचारे बेवकूफ शिकार, ऐसे अंधेरे खालीपन में घूरना तुम्हारे कमजोर दिमागों के लिए बहुत तकलीफ देह होगा ना, और अब तुम्हारे काम की चीज तुम्हारे पहुँच से बहुत दूर है, बिल्कुल उस जेल की तरह जहाँ तुमने मुझे रखा था। सीधे मुद्दे पर आओ एल्बिडो। जैसा आप कहें ग्रैंडपा। बुरा तो मुझे भी लगता है, तुम्हारी तकलीफ उतने वक्त नहीं रहेगी जितना तुमने मुझे परेशान किया। हमला, रोबोट ड्रोन शिप्स। चलो मैं इन्हें तुम्हारे साथ थोड़ी देर खेलने देता हूँ, इनका हक बनता है, जब वो तुम्हारे साथ निपट लेंगे मैं आकर तुम्हारा अंत आसान कर दूंगा। ओ, मेरे लिए कितना कुछ करते हो खाइबर। ध्यान से चुनो टेनिसन, जो भी एलियन तुम चुनोगे वो तुम्हारा आखिरी होगा। ये बिल्कुल सही वक्त रहेगा वे बिग के लिए। लेकिन कम से कम एस्ट्रोडैक्टिल उड़ सकता है। अलविदा बेवकूफो। अब ये क्या था, जिसने भी कहा आसमान की हद तक वो एस्ट्रोडैक्टिल से नहीं मिला। यार मैंने तो सोचा था यहां अब कुछ और अजीब नहीं होगा। डॉक्टर साइकोबोस शायद। हमेशा की तरह बेन टेनिसन, तुमने गलत सोचा। अल्बेडो, तो आखिर तुम्हें पता चल गया। अब बंद करो एक ईवल जीनियस की तरह ब्ला 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 करना अल्बेडो, चलो इसे खत्म करें। ठीक है, अब तुम्हारा खात्मा होगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अल्बेडो, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, तुम फिर से गैल्वन बन गए, तो जाओ यहाँ से और कहीं जाकर अपनी गैल्वन जिंदगी जियो, मुझसे दूर, समझ गए तुम? और क्या, मुझे वो जेल की जिंदगी भूल जानी चाहिए, वो शर्मिंदगी, वो चिली फ्राइज। हाँ चिली फ्राइज बहुत अच्छे होते हैं, उस सबसे निकल आओ डूड। मैं उससे निकल चुका हूँ, तुम्हें भूल चुका हूँ, सभी मामूली गैल्वन के आगे निकल चुका हूँ, यूनिवर्स के सभी स्पीशीज के आगे निकल चुका हूँ। तुम्हारा दिमाग वाकई खराब है यार, बहुत खराब। उड़ा लो मेरा मजाक। मजाक नहीं, तुम बस एक तमाशा हो एल्बिडो। सच ये है कि मैं जीत चुका हूँ, मेरी अकलमंदी ने तुम्हारे हर एक मूव का अंदाजा पहले से लगा लिया था। मिसाल के लिए तुम्हारे दोस्त बस 100 मीटर की दूरी पर तुम्हारी तलाश कर रहे हैं, लेकिन इस क्लोकिंग डिवाइस के चलते उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं।
जानते हो अल्बेडो, तुम अपने आप को तीन गैलेक्सीज में सबसे अकलमंद जीव समझते हो ना? नहीं, पांच। जो भी है, तुम्हारा सर तो इतना बड़ा है लेकिन अकल बड़ी नहीं है। एक क्लोकिंग डिवाइस तबाह हुआ और मुझे कोई एलियन भी नहीं बनना पड़ा। शायद बदलना चाहिए था। तुम्हारा ग्रे मैटर रूप शायद इसका अंदाजा लगा लेता। जैसा कि मैंने कहा, मेरी जीत हो चुकी है बेन टेनिसन, पर अब तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोस्तों का भी यही हाल होगा। क्या? संभल कर। उस डोम के आसपास के एनर्जी फील्ड को मार लगी है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई है। काश हम उस पर थोड़े और झटके दे पाते। काश? समझो, हो गया। तुम मुझे बहन की याद दिला रहे हो। मैं इसे अपनी तारीफ समझूंगा। हिलना मत हाइपरकाइनेटिक छोकरे। ओके, मुझे इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन तुमने कहा है तो तारीफ तो नहीं होगी। आंखें कर देंगे। चलो फिर से ट्राई करता हूँ। यार, अरे यार, मैं ये दिन भर कर सकता हूँ और तुम? मेरे पास भी और कई ट्रिक्स हैं। शॉकवॉच को भी आजमा कर देखो। तुम तो जैसे कोशिश भी नहीं कर रहे हो। देखो, मुझे जाने दो। अगर तुम यही चाहते हो तो फिर इतना काफी है। बदमाश हमेशा ऐसा ही कहते हैं। दूसरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा यही कहता हूँ। तो पूछने की तकलीफ क्यों उठाते हो? अब तक तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा जवाब हमेशा ना ही होगा। बिल्कुल, तुम तो बहुत धीरे सीखते हो। पर हाँ, मैं तो भूल ही गया कि इंसानों का दिमाग तो इसी रफ्तार से चलता है। ओ अच्छा, वेल, देखो लोगों ने मुझे इससे भी बुरा भला कहा है। तो चलो अब इसे खत्म कर देते हैं। ये डायलॉग भी बदमाश अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदमाश कहने की? और नए वाले भी इसे बिंदास इस्तेमाल करते हैं। पकड़ो पकड़ो मुझे, पहले मैं यहाँ हूँ और अब यहाँ पर हूँ, उसके बाद यहाँ पर। यहाँ पर कैसे रहेगा बताओ? और तुम ठीक कहते हो अल्बेडो, पुराना जमाना भी कमाल था। ये छेद अभी प्रोटोट्रक के लिए काफी नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। इतना काफी है? अच्छे लोग हमेशा ऐसा ही क्यों कहते हैं? ओ या, अब भी दम है मुझ में। Come on, Omnitrix, मैंने हमेशा तुम्हें प्यार से रखा है ना, मेरे साथ गड़बड़ मत करो। तैयार हो जाओ थोड़े वे वेग के लिए। मेरा मतलब फीडबैक एक्शन के लिए। तुम खत्म हो गए हमेशा के लिए। मजेदार है क्योंकि इसने पहले यही कहा था। रहने दो, तुम्हें वहां होना चाहिए था। मैं वहीं था, ये फिर भी मजेदार नहीं है। तुम नहीं जानते अच्छा क्या है। बेन,
तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक। मैं उसे और थोड़ी देर रोक सकता था, 10-15 सेकंड्स। अब तुम तीनों सरेंडर करोगे वरना अच्छा नहीं होगा। जरा अपने आसपास देखो खाइबर, तुम्हारा दोस्त अल्बेडो हार चुका है, तुम हार चुके हो। इन्हें दिखाओ कि ये लोग हार गए हैं। अज़मत,